लचीले के और उस डेंस वाले बताए होंगे और स्पेशल प्रकार के बताए होंगे ना, इनके बारे में बताया था बस पहली एडिट डाल लीजिए, लूज कनेक्टिविटी से वही लचीले के लोग कहलाते हैं। ये आपके एक तरह से कहनी है लचीले सहयोगी मित्र होते हैं, लचीले सहयोगी मित्र होते हैं। इनमें क्या रहता है आपके सेमी फ्लूइड होता है, मतलब एक तरह से कह दिया गया है कि कुछ इनमें कुछ भाग में तरल पदार्थ भरा होता है तभी ये लचीले होते हैं। कुछ में तो फाइबर्स होते हैं, फाइबर भाग होता है, अब कुछ भाग इनका तरल पदार्थ से रहता है जो लचीला है। जैसे मान लीजिए हाथ का ये है, ये पार्ट है तो ये लचीला है, लचीला है, हट तो हो नहीं सकता है इसमें से। तो इस तरह के भागों में कहीं ना कहीं पूरे में थोड़ा बहुत रहते हैं तभी तो ये दब जाता है, फिर ऐसे हो जाता है। तो कुछ ना कुछ फ्लूड जैसा रहता है और इसके जो पार्ट होते हैं ये विभिन्न प्रकार के अंगों में पूछा क्या जाता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो लिख लीजिए इसमें से ये सेमी फ्लूड ग्रुप के बने होते हैं। जैसे इसके त्वचा और ये इपीथीलियम ऊतक को सपोर्ट करते हैं, इपीथीलियम को सहायता करते हैं या सपोर्ट करते हैं। इधर बैठते तो थोड़ा सा और पाई जाती है। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एक प्रकार का लूज कनेक्टिव टिश्यू है।
एडिपोज टिश्यू ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है कि लचीले टिश्यू एडिपोज में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू। अब इसमें फैट स्टोर रहता है, इसमें वसा स्टोर रहती है, ये भी बहुत पूछा जाता है कि ऐसे कौन से टिश्यू में वसा संचित रहती है। तो आपने देखा होगा हमारी बॉडी में जहां जहां लूज स्किन होगा, जैसे ये पार्ट रहता है, ये पार्ट रहता है, ये पार्ट रहता है, यही तो जाकर वसा स्टोर होती है कि जब फैट बढ़ रहा है, हाइट यहाँ थोड़ी बढ़ जाता है, यहाँ यहाँ बढ़ता है, हाइट यहाँ नहीं बढ़ता ना, हाइट यहाँ बढ़ जाता है क्योंकि ऑलरेडी है एडिपोज में, या यहाँ बढ़ता है, ये कमर के पार्ट में बढ़ता है, जहाँ फैट होगा वहीं बढ़ेगा, मतलब एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर रहता है। क्योंकि उसी में लिख लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट इमीडिएट यूज नहीं होते, क्योंकि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट इमीडिएट यूज नहीं होते और फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, सघन संयोजी ऊतक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सघन संयोजी ऊतक डेंस कनेक्टिव टिश्यू
सघन संयोजी ऊतक का भाग है जो स्केलेटल मसल्स और बोन को जोड़ता है। ये बहुत पूछा जाता है कि मसल्स और बोन को जोड़ने वाला क्या कहलाता है। मसल्स और बोन को, जैसे मान लीजिए बोन है हमारे हाथ में, ये मसल्स भी है, इनको कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। दूसरा इसी में आता है लिगामेंट। हाँ लिगामेंट बोन टू बोन को जोड़ता है, बोन से बोन, बोन जानते हैं क्या कहलाता है, हड्डी, बोन से बोन को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, कार्टिलेज बोन एंड ब्लड आर स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज बोन और ब्लड में विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक पाए जाते हैं कार्टिलेज के बाद कार्टिलेज जानते हैं कहाँ पाया जाता है, जैसे ये नाक का पार्ट है, ये कार्टिलेज है, ये कान का पार्ट है, ये कार्टिलेज है, मतलब बोन नहीं है, लचीला होता है, टाइम लेता है, ये कार्टिलेज पार्ट है, कार्टिलेज पाए जाते हैं। और भी पाए जाते हैं आपके घुटने में जो जोड़ते हैं नीचे, यहाँ पर स्कैपुला में, यहाँ भी कार्टिलेज रहते हैं, कभी कभी ड्राई हो जाता है तो दर्द होता है, जैसे हाथ पैरों में दर्द क्या रहता है, वहां से एनर्जी खत्म हो गई है, जैसे ज्यादा हम चल लेते हैं या ज्यादा वर्क कर लेते हैं तो हमारा बॉडी पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, उसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे एनर्जी स्टोर थी हाथ पैरों में वो सब यूज हो गई, अब वो पहले रेस्ट ले लीजिए, तभी वो दर्द करता है शरीर, दर्द करना मतलब एनर्जी खत्म, आप उसको रेस्ट दीजिए थोड़ा सा, तो कार्टिलेज के बारे में लिखिए थोड़ा सा। कार्टिलेज एक सॉलिड पार्ट है, कार्टिलेज एक सॉलिड पार्ट है इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स और मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स भरा रहता है कुछ वर्टिब्रेट में कार्टिलेज एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोन में परिवर्तित हो जाता है।
में परिवर्तित हो जाता है। कार्टिलेज मुख्यतः टिप ऑफ मुख्यतः नाक की टिप में मुख्यतः नाक की टिप में आउटर ईयर ज्वाइंट में आउटर ईयर ज्वाइंट में नाक की टिप मतलब ये आउटर ईयर ज्वाइंट रहते हैं यहां पे और बोन्स के बीच में पाया जाता है। ब्रैकेट में लिंब हैंड आदि। लिंब मतलब जानते हैं पैर हाथ आदि। बोन्स के बारे में लिख लीजिए। बोन्स एक हार्ड कैल्शियम और कोलेजन से बना पदार्थ है। बोन्स एक हार्ड कैल्शियम और कोलेजन से बना पदार्थ है। आज आप लेना है क्या कॉपी? अच्छा ये ऐसे ही आया क्या? वो तो यूरिन का डॉक्टर है सर। पत्थर सर्जन है। फिर एबीओ आपके फोर टाइप्स के होते हैं। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। आरएच आपका टू टाइप्स का होता है, आरएच प्लस, आरएच माइनस। आरएच आरएच हमारा एक जो सबसे पहले फैक्टर की डिस्कवरी की गई थी, आरएच रिसस मंकी है। आरएच का वर्ड है रीसस मंकी से। इसमें एक ही ब्लड दो तरह के रिजल्ट दे रहा था, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है पॉजिटिव पाया जाता है, मोर देन 80%, कहीं कहीं 90% भी लिखा होगा किसी ग्रुप में। निगेटिव ब्लड जो रहता है वो बहुत रेयर रहता है। हाँ, निगेटिव ब्लड जो रहता है वो बहुत रेयर रहता है। अब ये फैक्टर जो रहते हैं आपके,
देख लीजिए एपी हमारा क्या है, यूनिवर्सल रिसेप्टर है, सर्वग्राही जिसे कह सकते हो। ये सर्वदाता है। अब आप कह रहे होंगे सर ये फैक्टर से क्या लेना देना है, फैक्टर से लेना देना है। मान लीजिए इसमें क्या रहता है कि अगर कोई ऐसे लोग इसके भी अभी वो बनते हैं जीनोटाइप फेनोटाइप के बनते हैं, हाँ तो आई ए और ये आई क्या है, इम्यूनो ग्लूटेट जो आपका एक तरह से प्रोटीन है एंजाइम्स की तरह काम करता है, तो इसके जीनोटाइप बनते हैं। मान लीजिए कोई पेरेंट ए है, अब पेरेंट बी रहा, पेरेंट बी रहा उसका ब्लड ग्रुप ए, तो इनके जीनोटाइप आई ए आई ए, तो ब्लड ग्रुप कौन सा रहा ए, फिर आई ए आई बी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा रहा ए बी हो गया। मान लीजिए एंटीजेंस नहीं है इसमें से तो क्या हो जाएगा आई जी ओ, तो ब्लड ग्रुप कौन सा रहा ए। एंटीजन क्या है, एंटीजन जो रहते हैं वो आरबीसी की सरफेस पे पाए जाते हैं, एंटीबॉडी आपकी लिंफोसाइट्स पे मिलती है, व्हाइट ब्लड सेल्स को ये रहता है। तो इनके मेन काम क्या रहते हैं, जैसे आपके ओ में एंटीजेंस प्रेजेंट और एंटीबॉडीज, तो ये आपके रहते हैं। आप देख लीजिए जैसे बी का है, अब इसी तरह बी का बनेगा इसी तरह ओ का बनेगा, तो ब्लड ग्रुप वाले। अब ब्लड ग्रुप का जो पॉजिटिव और निगेटिव रहता है वो बर्थ के टाइम ज्यादा लग सकता है रहता है। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई लड़की है जिसकी शादी ऐसे लड़के से होती है जिसका ब्लड ग्रुप निगेटिव हो जाए, तो फर्स्ट चाइल्ड जो रहेगा वो आपका तो सही रहेगा जन्म उसका, सेकेंड चाइल्ड में दिक्कत हो सकती है, मतलब सेकेंड चाइल्ड में दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए पॉजिटिव वाले की शादी पॉजिटिव फैक्टर के निगेटिव से हो जाती है, मेल या फीमेल में कोई भी हो, तो फर्स्ट चाइल्ड जो रहेगा वो आपका अगर लड़का होगा तो क्या होगा पॉजिटिव, मान लीजिए ये मेल है ये फीमेल है तो पर, लेकिन सेकेंड चाइल्ड में दिक्कत हो जाती है, बस इसलिए डिफरेंट फैक्टर वाले नुकसान दे होते हैं, सेम फैक्टर के आपके ज्यादा अच्छे होते हैं निगेटिव और माइनस। तो प्लस मतलब हमारे हमको वो डॉक्टर चक्कर के बता देता है 200 रुपए में, नहीं यदि डिफरेंट होता है प्लस माइनस में जिसमें वो एंटीजेंस में नहीं बनते हैं ना उसके, वो अपना डोमिनेंट होने का प्रोसेस करता है, अपना डोमिनेंट होने का जब बर्थ के टाइम मतलब उस समय जब बच्चा बन रहा होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, जायगोट के समय फिर वो प्लेसेंटा बनता है। अब प्लेसेंटा से क्या होता आपने पढ़ा होगा कि मेन वर्ड क्या है, प्लेसेंटा के पहले कोरियोनिक विली बनती थी, जरायुज जरायुज अंकुरण एक बनता है प्लेसेंटा के पहले, जैसे ही यूट्रस में बच्चा गर्भाशय में जाके चिपकता है फैलोपियन ट्यूब से, कोई भी बच्चा जाके डिम्बवाहिनी से अंडवाहिनी से जाके फैलोपियन उसमें गर्भाशय में जाता है लगभग 8 दिन बाद, निषेचन के 8 दिन बाद वो वहां पे जाता है, तो सबसे पहले आपकी क्या बनती है जरायुज बनता है, जरायुज उसको चिपका देता है। गर्भाशय के भी 3 भाग होते हैं, एंडोमेट्रियम मियोमेट्रियम पेरीमेट्रियम, अंतःभित्ति मध्यभित्ति बाह्यभित्ति, अंतःभित्ति में जाकर चिपकता है, कहां चिपकता है अंतःभित्ति में, उसके बाद फिर प्लेसेंटा बनता है अपरा जिसे कहते हैं, अपरा से ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई चालू हो जाती है। अब जैसे सेम ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड ग्रुप चाहे डिफरेंट हो लेकिन एंटीजन्स आपके निगेटिव पॉजिटिव होंगे तो कुछ ना कुछ तो रहेगा उसमें,
क्योंकि एक वो क्रोमोसोम जीन लिए हुए निगेटिव का एक पॉजिटिव का, तो एक बार तो डोमिनेट कर लेता है, दोबारा में कभी दिक्कत होती है बच्चे जब दोबारा बच्चा होता है कोई सेकेंड बेबी में, सेकेंड बेबी दिक्कत होती है ऐसे ऐसे मतलब कपल्स को, ऐसे जोड़ों को जिनके निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, एक बच्चे में तो कोई नहीं, उसमें से ज्यादातर कोशिश ये होती है कि या कि माँ की डेट या बच्चे की डेट या दोनों की डेट। लोग बोलते हैं लोग नहीं तो ऐसा मतलब ऐसा 100% नहीं है, चांसेस बनते हैं ऐसे, मैंने कहा उसके साथ फैक्टर भी आपके होते हैं ना, जरूरी नहीं होता है कि पहलवान का बच्चा पहलवान ही बने या टीचर का बच्चा टीचर ही बने, एनवायरमेंटल फैक्टर भी तो रहते हैं उसके साथ साथ जो सर्वाइव कर जाता है। अब वो डिपेंड करता है मदर और फादर पे कि कैसे उसके फैक्टर्स हैं, क्योंकि फैक्टर भी डिपेंड करते हैं क्रोमोसोम्स पे, हो सकता है कोई अच्छा जीन रहा हो, कोई बहुत अच्छा जीन रहा हो जो सर्वाइव कर जाए, और वैसे भी आजकल तो एक या दो बच्चे ज्यादा कहां कोई रह रहा है, वो पुराने समय के छोड़ दीजिए, हाँ आजकल तो एक या दो मुश्किल से है मुझे ऐसा लगता है फैमिली में, क्यों क्योंकि इतना महंगा हो गया है इसका कल्चर। हाँ देखिए वो एक मिथ है, एक एपिक्स है, मतलब एक महाकाव्य है, अगर रिलीजन को मानते हैं तो उसको मान के एक अपनी श्रद्धा में बनाए रखते हैं, हम ये नहीं कह सकते आज के समय में कैसा है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि एक पूरे जीवन काल में जो अंडाणु निकलते हैं एक स्त्री में 450 से 500 निकलते हैं पूरे जीवन काल में, अंडाणु तो निषेचन के योग होते हैं लेकिन सभी थोड़ी निषेचित हो जाते हैं। एक बच्चे ने पूछा था सर उनमें प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, लगभग 35 से 45 तक बच्चों की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन क्या इतने बच्चे होते नहीं, एक मिला तो नहीं होती ना, लगभग 35 से 45 तक की प्रोबेबिलिटी हो सकती है ऐसा डॉक्टर ने बोला है, लेकिन वो सब डिपेंड करता है कल्चर पे, फूड पे और उस पे हार्मोनल कंडीशंस पे कैसा रहता है। ब्लड ग्रुप अगर कोई पूछता है कितने टाइप्स होते हैं, पहले कहना है 2 टाइप्स होते हैं, आरएस ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप, एक बार फिर उसके बाद ये रहता है मुश्किल से ये 10% पाए जाते हैं, जड़ों के और भी महत्व, इस तरह के दो चार जितने बताए बस यही अंतर है आपको।
बेसिक चीजें आप बता देते हो उससे ना, बेसिक चीजें बता देते हो उससे, बेसिक चीजें मैं आपको और बता दूं कि देखिए आप अपना लेवल अच्छा रखिए, लेवल मतलब कि नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करिए। हम भी आपके एज से निकले हैं, कोई टीचर कहता था, कोई एग्जामिनर कहता था तुम्हें कुछ नहीं आता या कभी कुछ नहीं आता, ज़्यादा सुनना नहीं है लोगों की बातें, रोज डेली 24 घंटे पढ़ते रहना है किताबों के पास और तैयारी करते रहना, अपना मेहनत करते रहना है। ज़्यादा लोग फर्क नहीं पड़ते हैं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आप जब आपके नंबर आते हैं ना तो वही टीचर जो पढ़ाने वाले अपने आप बुलाते हैं इधर, अच्छा तुम्हारे अच्छे नंबर आए इस बार, अपने आप बुलाते हैं ऐसे करते हैं, क्योंकि अच्छे नंबर जब आते हैं तो टीचरों को पता चल जाता है कि कौन सा हमारे स्कूल में टॉप हुआ है, किस किसके ज़्यादा आए। जैसे हमारे यहाँ पढ़ती है लड़की सपना करके, उसके 79% के 75% कुछ है तुम्हारे बैच में, नहीं तुम्हारे बैच में बहुत सारे आते हैं तुम्हारे बैच से, पता नहीं अंजलि शारदा सिंह होगा और हर प्रकाश संतोष सेकेंड ईयर की बहुत सारे यहाँ भी पढ़ते रहे हैं लेकिन नाम पर दिखाई नहीं आती। आपको जो बेसिक चीज मैं आप लोगों को पढ़ाया था ना, मैंने लिखाया था ना धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है, ये भी बताए थे सब चीज़ें। अभी ब्लड वाला नहीं बताया हमने, ब्लड में नहीं आए हैं ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो भी जितना भी बताऊँगा बेसिक बताऊँगा मैं, वही चीज़ उसको बता देंगे। पहले तो शुरुआत वहीं से करनी है, रामपुर और मुलामपुर से, वो कैसे बीज से ओरिजन, वो पूछ सकता है सबसे पहले जड़ का निर्माण होता है कि तने का कि पत्ती का कि फूल का, सबसे पहले जड़ का। अरे भाई आप चना घर में भिगोते हैं, चने के बगल से नीचे की ओर जाता है ना जड़, तो ऊपर कौन निकलता है नीचे की ओर, फिर उससे थोड़ी सी पत्ती ऊपर की ओर आती है, चने से नीचे की ओर जाती है ना। कभी भी कपड़े बांध के चना भिगो के रख दीजिएगा, जड़ें कपड़े से बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, ये सब ऊपर की ओर आती हैं, बाहर निकलने की कोशिश करती है ना, कपड़े से भी बाहर हो जाती हैं, कभी देखा है नहीं देखा, तो इसका मतलब उनमें गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और उसी से फिर वो अवशोषण चालू हो जाता है। बस सभी बच्चों का स्थापित कर पूरे बार वॉट में फाइनली प्रैक्टिकल नहीं हुआ था क्या सेकंड सेमेस्टर का, यही है आज तो सभी से ही पूछा था, और क्या पूछ रहा था, और वो पाठक है आपके यहाँ किस्मत है, देखिए नियम से छोटा है किस्मत है, बस होने का सिलेक्शन बस हो गया, एक एग्जाम दिया हो गया, अब उसे कह सकते हैं कि अच्छा था उसका, उसके अच्छे बने नंबर, बस ये रहता है बाकी और कुछ नहीं। हालांकि आयोग से आया था 2016-17 में आया था, ऐसा जो एल बी ए बी का है वो और कुछ नहीं है, क्योंकि हमने सीबीएसई पढ़ाया, मैथ्स रखा था, सीबीएसई और नीट पढ़ाया ज्यादा था, हालांकि क्वालिफिकेशन हमारी भी है वाटिंग से, हमारा जो पीएचडी है वो वाटिंग से ही है, लेकिन हमने कंपटीशन के बच्चों को पढ़ाया है कई कई सालों तक, तो हमें ये सब रट गए, मतलब एक तरह से कह दिया जाए, देखो हमें मालूम तो था नहीं कि यार ब्लड कुछ हो गया, हमें ब्लड वगैरह मतलब कोई भी
टॉपिक कहीं से भी कोई पूछ ले, लेकिन उससे क्या होता है टॉपिक स्लो हो जाता है हमारा जो चल रहा होता है। बस अगर कोई कह दिया जाए इस शरीर का वेट, इस बॉडी का वेट किस पर निर्धारित करता है, वजन, मसल्स पे, ऊतक पे, हड्डी पे, बोन पे या और कुछ, आपका कहना मतलब जो मोटा है बहुत ज्यादा भारी होगा, जो जितना लंबा हो वो ज्यादा भारी होगा, मोटा आदमी ज्यादा भारी है, जो जितना लंबाई में ज्यादा होगा जितनी इसकी हड्डियां ज्यादा है, मोटा भले ही ना हो उससे एक फुट छोटा हो लंबे आदमी से, लंबा आदमी लंबा हो लेकिन मोटा वाला डबल हो लेकिन उससे बराबर हो जाएगा लंबाई का फायदा होगा वजन में, लंबे आदमी के ज्यादा उनकी हाइट हो क्योंकि शरीर का वजन बोन पे निर्भर करता है। जो ये एज है आप लोगों की ये बहुत अच्छे से खाना पीना खाने की एज है, क्योंकि इस एज के बाद अगर आप सोचोगे कि मैं बहुत मोटा हो जाऊँ नहीं हो पाऊंगा, इस एज में आप अपने को व्यवस्थित करिए, आप कोशिश करिए पढ़िए, अच्छी बुकों को पढ़िए, अच्छे टीचर से पढ़िए, उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और अच्छी चीजें भी मिलेगी बेसिकली। अब लिख लीजिए चाहे शरीर का भार हड्डियों पे निर्भर करता है, सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है अस्थि मज्जा, ये भी पूछ लिया जाता है, हमारी जान की हड्डी फीमर सबसे लंबी हड्डी कहलाती है फीमर, जान की जो जान की हड्डी होती है वो फीमर कहलाती है, और सबसे लंबी हड्डी होती है मतलब जिसकी जितनी जान की हड्डी लंबी होगी उसका उतना। अब ब्लड का एक नियम और है, वैसे तो आपने पढ़ा होगा ब्लड 5 से 6 लीटर एक वयस्क व्यक्ति में ब्लड पाया जाता है, सुन लीजिए 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है आपने सुना होगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपका छोटी क्लास होते तो ठीक है, ब्लड जो पाया जाता है भार का 8% एक क्या है ना 8, जितना जिस व्यक्ति का भार होगा उसका 8% ब्लड होगा उसमें, जितना जिसका वेट उतना उसका ब्लड, लिख लीजिए चाहे 8% वेट मतलब वजन, अब आप जोड़ सकते हैं कितना वजन है, जितना वजन है आपके पास, तो 60 का लगभग 10% 6 हो गया आपके 5 लीटर के आसपास ब्लड है, तो 5 से 6 लगभग सभी का होता है, और जो 50 किलो से कम वजन का है वो कुपोषण का शिकार है, जो 50 किलो से कम वजन का है लड़का लड़की इस एज में आपकी एज में
जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार है, कुपोषित है, कुपोषित है। हाँ 49 वाला कुपोषित है। हाँ 55, 60, 52, 58, 54, 52 नहीं बता रहे हम, ये नहीं कह रहे हैं वो बात है। तो आप उससे वजन बढ़ने का तरीका जैसे खाना दोनों टाइम खा सकते हैं, भूख नहीं लग सकता इस एज में, तो बेटा आप बहुत सारा कसरत कर सकते हैं। आपकी एज में तो मैं सुबह 4 बजे जब के ACTIC ग्राउंड में उसी जेल ग्राउंड के 4 चक्कर मार के घर आ जाता था सुबह 5 बजे। एक लखनऊ बस जाती थी सुबह का माना से, वो बस हमें लौटते तक मिलती थी पहली बस। आप खाना खाइए ना, भूख नहीं लगती, कसरत करिए, खाना खाइए और पढ़ने के तरीके न्यूट्रिएंट है आपके, बनाना खाइए, बनाना खाइए, इधर उधर की चीज़ें मान लीजिए। आप 10 रुपये का समोसा ना खाइए, हमारे गुरु हमें क्या सिखाते थे, अरे भाई 10 का समोसा खाने की बजाय 10 रुपये का रूट लिया करो। तो हम बाहर पढ़ते थे जब रहते थे इलाहाबाद, तो उस समय अमूल और पैकेट वाले नए नए चलन में आए थे थोड़ा थोड़ा, इन साइड बड़े शहरों में मिलते थे, बाकी इलाहाबाद एकदम थोड़ा थोड़ा चलन में थे। तो अब तो खैर बाना इसी शहर में भरपूर कस्बे में मिल जाएंगे, पहले बाना में मिलते नहीं था। तो इलाहाबाद जैसे शहर में हम 10 रुपये का 12 रुपये का एक पैकेट ले लेते थे, गिलास उठा के भूख लगी, या डायरेक्ट ऐसे उसे पन्नी या उसके 10 रुपये का 20 रुपये का आधा लीटर का। अभी भी कभी एग्जाम देने जाते हैं ऐसे एज में भी, ये नहीं ढूंढते हैं कि समोसा की दुकान कहाँ है, ये नाश्ते की वाली दुकान में जाया, सच्चा आदमी जाता है पैकेट में बांध के देता है एक डायरेक्ट मार के आधा लीटर पी। आप ये समझ लीजिए अगर आधा लीटर दूध कैसा भी पीएंगे तो 2-4 घंटे बाद घंटे आप मस्त रहेंगे, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। और समोसा उतने का 15 रुपये की जलेबी, 20 की चाय और पीछे 25 रुपये बर्बाद करेंगे आप, वो आपको नुकसान भी करेगा। चाहे जैसे बने हैं लेकिन आपको वजन बढ़ेगा, आप करेंगे ऐसा लग रहा है आप ना, आप खाने पीने वाला पौष्टिक चीजें खाइए। सही बात है, मुझे उसकी कैंटीन मिलनी चाहिए। हाँ, या आप उसकी बजाय केला ले सकते हैं बाहर से, मिलता है केले को, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसका छिलका निकाल के खाते हैं, ज़्यादा फल वो नुकसान नहीं करता है, उसमें ना मक्खियाँ भी बैठी होंगी तो उसका छिलका तो चला ही देना चाहिए। अब उससे आपका फैट बढ़ता है, हाँ एनर्जी मिलती है, पूरा ताकत मिलती है आपको। मतलब 7 रुपये का 10 रुपये का समोसा खाने की बजाय आप 2 केले केले वाले से ले लीजिए, 10 रुपये बढ़िया 2 रुपये के बाद दे देगा वो 10 किलो, तो वो फायदा करेगा आपको एक समोसा खाने की बजाय। मैं नहीं कह रहा हूँ नाश्ते बंद कर दीजिए, लेकिन उसको मात्रा कम कर दीजिए, महीने 15 दिन में एक बार। ये समझ लीजिए मिलता है, व्हाइट ब्लड सेल्स
इन्हीं को आप क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूकोसाइट्स। एंड ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं और प्लेटलेट्स भी पढ़ते हैं इसमें से। और ब्लड में क्या रहते हैं? प्लेटलेट्स भी रहते हैं। बैक्टीरिया वायरस जितने उसी से सड़न होती है।
आप उसको जब पैक किया जाता है विदाउट ऑक्सीजन पैक किया जाता है नाइट्रोजन ट्यूब से, जैसे चिप्स वगैरह आते हैं ना घर में चिप्स बना लो छह महीने बाद महंगे लगते हैं, वो पैकेट वाला चिप्स चार महीने चलता है ना कभी नहीं महंगता बैक्टीरिया पनपता किस में है ऑक्सीजन ऑक्सीजन से भरते नहीं है ऑक्सीजन से भरते ही नहीं है बस नहीं तो पांच रुपया का चिप्स चार चिप्स छह रहते हैं वो कीमत चिप्स की नहीं है रैपर की है नाइट्रोजन की है। आलू तो आपका चालीस वो बड़े बड़े व्यापारी आलू तो बहुत भर के रख लेते हैं स्टोर में उनके लिए तो तीस से चालीस रुपये का पाँच किलो मिलता होगा ऑक्सीजन में बता रहे वो कीमत उसकी दे रहे रैपर की लेकिन फायदा घर वाला कर रहा है। मैंने बताया नहीं कि देसी चीजों की करिए लेकिन क्या ना खाएंगे सब कुछ तो आपको आज के समय क्या ना खाएंगे तो सब कुछ तो आपका केमिकल से ही कुछ भी ऐसा नहीं है। गेहूं भी आपका देखो डीएपी यूरिया के पीछे बढ़िया रहता है डीएपी यूरिया अगर उसकी बजाय गोबर डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा पैदावार जरूर कम होगी लेकिन नुकसान नहीं कम होगा वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। चलिए इसमें से आप डाल लीजिए मसल्स टिश्यू मेहनत करते करते
फिर उसके बाद होता है कहीं ना कहीं तो शरीर के फिट रहते हैं जो बचपन से मस्त रहता है। देखिए आपको बता दें, जो ज्यादा पढ़ने वाला होगा वो थोड़ा सा स्लिम फिम रहेगा हमेशा, क्योंकि उसे भूख प्यास भूल जाएगी। जिस दिन आप खाना पीना भूल ले रहे होंगे उस दिन ज्यादा पढ़ रहे होंगे, हाँ अभी कम पढ़ रहे हैं। हाँ उसके साथ साथ जिस दिन नींद भी ना आने लगे समझिए, तो नींद अच्छी तो अभी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं हो रही थी। पेपर के दिन हो तो एक्स्ट्रा बर्डन है आपका, टेंशन वो तो स्ट्रेस है। पेपर वाले दिन तो हम खूब सोया करते थे, अभी व्यक्तिगत तो अभी नहीं है। व्यक्तिगत हो गया तो मैं बेटा आपको बता दूं फिर से, अभी ऐसा ना करिएगा। व्यक्तिगत तो टीचर पे डिपेंड करता है जो पढ़ाता है आप, समझ रहे हो? आप कभी टेंशन ना लीजिएगा, आप एज ए टॉपर स्टूडेंट रहे हैं हम। प्रैक्टिकल तो मास्टर पर निर्भर करता है, वो कितने नंबर देना चाहता है। चाहे आप बहुत अच्छी फाइल बना लो सब बता दो, उसकी जितनी मर्जी होगी उतना ही देगा। अच्छा कुछ ना करो बस, तो एवरेज बन के प्रैक्टिकल में चलते रहेंगे। गवर्नमेंट स्कूलों में प्रैक्टिकल में आपको एवरेज मार्क्स ही मिलेंगे। अगर आप प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लिए हैं तो प्रैक्टिकल में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्लास लेट चालू हुआ था क्या? अभी है चलिए तो इसमें फर्स्ट निकाल लीजिए स्केलेटल मसल्स। यह स्केलेटल कंकालीय बोन से जुड़ी होती है, जैसे बाइसेप्स, बाइसेप्स जानते हैं? बाइसेप्स बनते हैं ना, ये जो बॉडी बनाते हैं उसका बाइसेप्स देखिए कैसे चढ़ के आता है। बाइसेप्स जैसे बाइसेप्स, दूसरा स्ट्रिएटेड स्ट्रिएटेड मसल्स, देखो दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रिएटेड एक नॉन स्ट्रिएटेड। आप थोड़ा सा स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड में देसी रूप में समझ लीजिए, तो दिल में खिंचाव हो जाए वो स्ट्रिएटेड है, जिन में कोई खिंचाव ना हो नॉन स्ट्रिएटेड। वैसे आपको बता दूं मैं, जैसे स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम जरूरी है, तो जितना मेरे टीचरों ने बताया कि आपको पढ़ते भी रहना है थोड़ा बहुत कसरत और योगा भी करना है। अब ज़्यादा न करिए, मान लीजिए जिस रूम में रहते हो, जिस कमरे में रहते हो, जिस घर में रहते हो, तो जहाँ बिस्तर या कभी बरामदा या छत हो वहीं पर दो चार दिन से या थोड़ा सा कसरत शाम के सुबह कर सकते हो, सुबह शाम, उससे आपको पाचन क्रिया अच्छी रहेगी, आपका मन मस्तिष्क अच्छा रहेगा। दूसरा आप किसी भी दिन ये हैबिट न डालिए कि मुझे नहीं पढ़ना है, दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दीजिए। दोस्त आपके काम ज़्यादा नहीं आएंगे, जब आप सफल हो जाओगे हजारों दोस्त बन जाते हैं, हर उम्र में नए मिलते हैं, पुराने छूटते रहते हैं नए बनते रहते हैं, ये निरंतर प्रक्रिया है। आपसे बता दूँ जब आपके जेब में पैसा होगा सफलता होगा तभी आपसे पुराने भी बोलने लगेंगे। अनेक तो पता है जिस दिन आप असफल होंगे, आपके पास जेब में पैसा नहीं होगा सफलता नहीं होगी, तो आपके साथ में रहने वाले आप कहोगे अरे इसको तो मैं पढ़ाता था,
इतिहास उसी को याद करता है जो वर्तमान में चमकता है, समझ रहे हैं। उसके लिए आपको आज से मेहनत चालू करनी पड़ेगी, लगातार पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा था एनसीईआरटी की बुक एक ले लीजिएगा आप, जो 250 रुपया का आता है, उसको पढ़िए, मेहनत करिए। जैसे आप एससी को कहें तो उसमें से सिलेबस में पूरा पढ़िए, एससी का सिलेबस में ठीक का ही जैसा है, ऐसा थोड़ी कि वो अलग से है कुछ। जैसे आपके थर्ड सेमेस्टर में इस समय ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जूलॉजी में, बॉटनी में आपके वो है आपके टैक्सोनॉमी है, पूरी पूरी टैक्सोनॉमी आईसीटीएन में है उसमें से। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्मूथ मसल्स स्ट्रिएशन नहीं शो करता है, स्ट्रिएशन नहीं शो करता है। अगले उस मीटर में रहते हैं।